सिद्धार्थनगर के इटवा विधानसभा के गौनरा में मछुआ सामाजिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद रहे। जयप्रकाश निषाद ने मीडिया को बताया कि हर पार्टी के लोग हमारे समाज को ठगने का काम किए। मैं चाहता हूं मेरे समाज के लोग शिक्षित बने, जागरूक बने, जिससे कोई लेखपाल, कोई सेक्रेटरी, कोई अधिकारी न ठग पाए। इसीलिए कह रहा हूं, शिक्षा ग्रहण करो, जागरूक बनो। ये हमारी सरकार है, योगी मोदी की सरकार है। मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहोगे तो सरकार के साथ जुड़े रहोगे। विशिष्ट अतिथि घनश्याम निषाद ने किया संबोधित। विशिष्ट अतिथि चंदन निषाद ने अपने संबोधन में कहा कि एक रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। जब हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, सजग रहेंगे, तो देश का विकास करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील केवट ने की। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सामाजिक सम्मेलन सिद्धार्थनगर में इटवा में आयोजित हुआ है, क्या क्या जानकारी लोगों को दी गई है? मछुआरा समाज निरंतर इनके अपने हक अधिकार के लड़ाई के लिए हर समय अभियान के तौर पर आज ये लगातार अनवरत अपनी बात हर जिले में, हर तहसील में अपना संदेश पहुंचाने का काम लगातार कर रहा है। जितने कानून मछुआरा समाज के लिए बने हैं, उन कानून को आज मछुआरा समाज की जो शिक्षित न होने के कारण इनकी जानकारी में वो सारी बातें न होने के कारण आज उस सारे अधिकारों पर माफियाओं का कब्जा जो है उसको पूर्ण रूप से अपना अधिकार पाने के लिए उन माफियाओं से निजात दिलाने के लिए लगातार शिक्षण प्रशिक्षण और लोगों को जागरूक करने का काम हम लोग नित्य कर रहे हैं। और मैं महसूस करता हूं कि अब धीरे धीरे मछुआरा समाज का कोई भी अधिकार लूटने का अगर प्रयास करेगा, कोई हड़पने का प्रयास करेगा, तो मछुआरा समाज अब जाग चुका है, अपना संवैधानिक अधिकार किसी को लूटने नहीं देगा और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज बहुत सारे कानून बने हैं, उन कानून को पूर्णतः जो जमीनी हकीकत धरातल पर मछुआरा समाज को नहीं मिल पा रहा है, आपने जैसा कि देखा होगा कि पहले पुल नहीं होते थे, उस पर नाव चला करके अपने जीव को पार्जन को करते थे। आज सभी जगहों पर पुल बन गए, वो बेरोजगार हो गए, उनको कहीं से रोजगार उनका सृजित नहीं किया गया। आज आप देखते हैं कहीं भी NDRF जो काम नहीं कर पाते, वो मछुआरों के सहयोग से 50-50 100-100 फीट पानी में वो डूबते हुए लोगों को बचाने का अगर कोई काम करता है तो ये मछुआरा समाज ही करता है, गोताखोर के रूप में। लेकिन ऐसे लोगों को आज तक चिन्हित करके कभी भी अवार्ड तक नहीं पहुंचने दिया गया, ना ही उनके अधिकार को लेने दिया गया, ना ही उनके लिए कोई ऐसा रोजगार सृजित किया गया। जबकि कबड्डी के खेल में, कुश्ती के खेल में जो लोग अव्वल निकलते हैं उनको नौकरी दी जाती है, उनको तमाम जगहों पर रोजगार दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। लेकिन अब मछुआरा समाज अपना हक लेने के लिए ये अनवरत अपनी तैयारी कर रहा है, अब अपना हक लेकर के रहेगा और अपने हक की लड़ाई संघर्ष करके लड़ करके अपना अब वो जो है वंचित जो था अब वंचित नहीं रहेगा, अपना अधिकार लेगा।